अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम बेटे हमने डिस्कस किया था, हम डिस्कस कर रहे थे स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टेप्स ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। वहीं से ही हमने आगे कंटिन्यू करना है। हम डिस्कस कर रहे थे स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अच्छा, जो स्टेप्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, पहले हम स्टेप्स के नाम लिख लेते हैं, फिर हम वन बाय वन उन्हें डायग्राम के साथ डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज़ बनवाते हैं, फिर उनका एक्सप्रेशन देखते हैं। सबसे पहले नंबर वन, पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करेंगे, अलहदा करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म में से जिसके जीन की हमने कॉपीज बनवानी है, जिसके जीन का हमने क्लोन बनाना है। नंबर टू, दूसरा फिर हम डिस्कस करेंगे। नंबर टू दूसरा स्टेप है बेटे ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटू अ वैक्टर। किसी वैक्टर में, कैरियर में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिर ट्रांसफ़र करेंगे। नंबर थ्री, तीसरा स्टेप हम डिस्कस करेंगे कि अब ट्रांसफ़र होने के बाद इसे हमने क्या करना है, वेक्टर को आगे ट्रांसफ़र करना है इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म, डीएनए रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, हम इसे होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देंगे। नंबर फोर, चौथा स्टेप है ग्रोथ ऑफ जीएमओ। ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ जीएमओ। और नंबर फाइव, पांचवा स्टेप है एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ये पांच स्टेप्स हैं जिसमें ये टेक्नोलॉजी, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से हम कोई भी जीन क्लोन करवा सकते हैं, जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनवा सकते हैं, या फिर उस जीन से डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं। अच्छा जी, पहले हमने क्या करना है, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी बुक में जो एग्ज़ाम्पल डिटेल में डिस्कस हुई है वो है बेटे जीन ऑफ इंसुलिन। हमारी बॉडी में जो जीन इंसुलिन बनवाता है, हमने पहले उस जीन को अलहदा करना है, आइसोलेट करना है, फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनवानी है। और जो जीन हमारी बॉडी में बेटे इंसुलिन बनाता है, वही जीन फिर किसी और ऑर्गेनिज्म में इंसुलिन बनवाएगा, फिर हम इंसुलिन और उस ऑर्गेनिज्म को अलहदा कर लेंगे, हमारे पास इंसुलिन एग्जैक्टली वैसा ही तैयार हो जाएगा जैसा हमारी बॉडी में बनता है। तो पहले हमने फर्स्ट स्टेप डिस्कस करना है, दैट इज़ आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे आइसोलेट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन के पहले हमने क्या करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जब हमने पहले क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्टेन एंजाइम्स हैं, कौन से एंजाइम्स हैं, कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। नाम है बेटे एंजाइम्स का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स हम यूज़ करेंगे, आर यूज्ड टू कट, किस चीज़ को काटने के लिए, कट डीएनए, या कट करना है हमने डीएनए को, क्यों कट करना है, ताकि उसमें से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट कर सकें, अलहदा कर सकें। हमारा पूरा डीएनए जो है बेटे, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक सपोज्ड डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ कि ये क्या है, डीएनए है। और फॉर एग्जांपल जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लोकेटेड है, हम क्या करेंगे, इस डीएनए को काटेंगे, किसके ज़रिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम अप्लाई करेंगे और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अलहदा हो जाएगा। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलहदा कर लिया।
नंबर टू, दूसरा हमने क्या करना है, हमने ट्रांसफ़र करना है ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू अ वेक्टर। उसके लिए हमें पहले क्या करना है, एक वेक्टर चूज़ करना है। वेक्टर किसे कहते हैं, यहाँ मैं बेटे ब्रैकेट में लिख रही हूँ साथ कैरियर। कैरियर का क्या मतलब है कि अब हमें कोई कैरियर चाहिए जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी और ऑर्गेनिज्म में लेके जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपना जीन बैक्टीरिया में इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कौन सी चीज़ है जो हमारे जीन को बैक्टीरिया में ले जाएगी, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वेक्टर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मुख्तलिफ वेक्टर यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आर यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमारी बुक में दो एग्जाम्पल दी हुई हैं बेटे वेक्टर की, दैट इज़ अ प्लाज्मिड, या तो ये प्लाज्मिड हो सकता है और बैक्टीरियोफेज, या फिर एक बैक्टीरियोफेज हो सकता है। ये हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बेटे। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम है बैक्टीरिया के अंदर, और जो बैक्टीरियोफेज है वो एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो या तो हम प्लाज्मिड के ज़रिए जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना बैक्टीरिया में डालें, या बैक्टीरियोफेज के ज़रिए जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया में इंसर्ट करवाएं। तो हमने पहले क्या किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बुक ने डिटेल में डिस्कस किया है वेक्टर को, प्लाज्मिड को। प्लाज्मिड जो है हमने वेक्टर चूज़ कर लिया कि हम प्लाज्मिड के ज़रिए जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर देंगे बैक्टीरिया में। हम क्या करेंगे, दिस वेक्टर इज ट्रीटेड विद, इस वेक्टर को भी हम क्या करेंगे, दिस वेक्टर इज ट्रीटेड विद, हम इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, विद एंडोन्यूक्लिएज। कि हम पहले क्या करेंगे, इस वेक्टर को भी काटेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के ज़रिए, एंडोन्यूक्लिएज एंड, और क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे एंड लाइगेज एंजाइम। लाइगेज किसके लिए यूज़ करेंगे, यूज्ड टू ज्वाइन, क्या करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने क्या करना है बेटे, पहले प्लाज्मिड को काटना है। ये मैं डायग्राम अलहदा से ड्रॉ करके दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी बेटे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने वेक्टर में डालना है। तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कटा हुआ है, तो पहले हमें वेक्टर को, प्लाज्मिड को भी काटना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं दोबारा सपोज डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ कि ये है एक प्लाज्मिड, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये पड़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, पहले इस प्लाज्मिड को किसके साथ ट्रीट करेंगे, एंडोन्यूक्लिएज के साथ, ताकि ये प्लाज्मिड क्या हो जाए, कट जाए। अब प्लाज्मिड जो है वो कट चुका है, हम क्या करेंगे, अब इस कटे हुए हिस्से को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ेंगे एक और एंजाइम के ज़रिए जिसका नाम है लाइगेज एंजाइम। अब ये क्या बन गया, आधा प्लाज्मिड है और आधा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब ये क्या बन गया, अब हम इसे कह सकते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। प्लाज्मिड क्या होता है बेटे, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया में, वो भी डीएनए है। प्लाज्मिड भी डीएनए होता है, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये भी डीएनए का पार्ट है, लेकिन किसी और ऑर्गेनिज्म का। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन का जीन है, हमने ह्यूमन के जीन को बैक्टीरिया के जीन के साथ जोड़ दिया है, यानी दो डीएनए का कम्बिनेशन इकट्ठा कर दिया है, इसीलिए हम इसे रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। अब हमने होस्ट और चूज़ करना है कि हम कौन सा होस्ट चूज़ कर रहे हैं, तो हम मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करते हैं बैक्टीरिया एज होस्ट को। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है। रिकम्बिनेंट डीएनए इज़ इंट्रोड्यूस्ड या एंटर्ड इनटू होस्ट सेल दैट इज़ यूजुअली अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अ बैक्टीरिया। यूजुअली क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटे, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। पहले वो बैक्टीरिया था जिसके पास सिर्फ उसका अपना क्रोमोसोम था, अब उस बैक्टीरिया के अंदर हमने अपना जीन भी डाल दिया है, तो अब उसका जेनेटिक मेकअप हमने मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। इसी वजह से हम होस्ट को अब क्या कहेंगे, नाउ दिस होस्ट इज़ कॉल्ड
दिस होस्ट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसे हम क्या कहेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हम इसे GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे कि अब इसका जेनेटिक मेकअप हमने मॉडिफाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, ग्रोथ ऑफ GMO। अब हमें पता है GMO किसे कहते हैं, GMO इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हमने इस GMO की ग्रोथ करानी है। किस तरह से ग्रोथ होगी? GMO इज ग्रोन इन अ सूटेबल कल्चर मीडियम। किसी भी सूटेबल कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया है तो उसके कल्चर मीडियम में उसे ग्रो कराएंगे, यीस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके मीडियम में उसे ग्रो कराएंगे। जिस मीडियम में भी हम चाहें, जो भी ऑर्गेनिज्म हम यूज़ कर रहे हैं उसका अप्रोप्रिएट मीडियम, उसके हिसाब से हम मीडियम चूज़ करते हैं और उसमें हम ये GMO को ग्रो कराएंगे। अब एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जो जीन बेटे हमारी बॉडी में DNA बना रहा था, अब वही जीन पैट्री डिश के अंदर, उस मीडियम के अंदर भी, उस सेल के अंदर भी इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। आफ्टर ग्रोथ, ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ GMO, जैसे ही GMO ग्रो कर रहा है, ग्रोथ ऑफ GMO, नंबर वन सबसे पहले क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट आर ऑब्टेन। मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट आर ऑब्टेन के सबसे पहले तो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज मिलना शुरू हो जाएंगी। नंबर टू, एंड जीन स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इट्सेल्फ, स्टार्ट टू एक्सप्रेस इट्सेल्फ। एक्सप्रेशन का क्या मतलब है बेटे, कि ये जीन हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाता था तो अब ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर भी अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा, अपने आप की अपनी इंसुलिन बनवाना शुरू कर देगा। तो जो हमारी बॉडी में जीन इंसुलिन बना रहा था, अब वो बैक्टीरिया के सेल में भी इंसुलिन बनवाएगा। चलें जी, अब इस सारे स्टेजेस को हम समराइज़ करने लगे हैं थ्रू डायग्राम। हमने डायग्राम की शक्ल में इसको समराइज़ करना है। चलें जी, इस जगह मैं डायग्राम बना रही हूँ। सबसे पहला हमने स्टेप क्या लिखा, सबसे पहले हमने फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको एक लाइन से इस तरह से मैंने इसको इस स्पेस को अलहदा कर लिया है बेटे। अब हम ड्रॉ करने लगे हैं ये पूरी जेनेटिक रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की डायग्राम। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमने पहले चूज़ कर लिया एक सेल। फॉर एग्जांपल, ये एक ह्यूमन सेल है जिसमें से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलहदा करना है। इस सेल के अंदर पड़ा हुआ है DNA, इस DNA को हमने पहले बाहर निकाला, DNA को बाहर निकाला और इसको हमने किसके साथ ट्रीट किया, इसको हमने ट्रीट किया है विद एंडोन्यूक्लिएज रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के साथ हमने इसे ट्रीट किया। और उसके बाद हमें क्या चीज़ मिल गई, ये इतना सा पोर्शन हम ड्रॉ करें कि ये क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। पहले हमने क्या किया, ह्यूमन सेल में से DNA निकाला, उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ज़रिए काटा, कट करने के बाद हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अलहदा हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने कहा था कि वेक्टर में हमने इसे इंट्रोड्यूस करना है। मैं इसे अलग कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, ब्लू से ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा, ये था बैक्टीरिया का सेल, ये है एक बैक्टीरिया, यहाँ पे एक इसका अपना क्रोमोसोम है, एक पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो कि क्या है, प्लाज्मिड है। हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड को भी हमने किसके साथ ट्रीट किया, इस प्लाज्मिड को भी हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के साथ ट्रीट किया। और अब ये जो प्लाज्मिड है ये भी बीच में से कट गया, एक तरफ क्या है प्लाज्मिड पड़ा हुआ है अब, और एक तरफ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। इनको जोड़ेंगे कैसे, इन दोनों को जोड़ने के लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एंजाइम जिसका नाम है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम हमने यूज़ किया और अब ये प्लाज्मिड जो है, ये प्लाज्मिड था इतना हिस्सा और इसके साथ जुड़ गया है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ बेटे, डबल मैं इसे कर रही हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। ये आ गया जी प्लाज्मिड प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट और अब हम इसे क्या कहेंगे, दैट इज़
रिकम्बिनेंट डीएनए, ये दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए का कम्बिनेशन है, इसीलिए हम इसे रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को वापस किस में इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरिया है, इसमें हमने डाल दिया प्लाज्मिड, ये है प्लाज्मिड, और उसके साथ जुड़ा हुआ है जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने, अब ये क्या बन गया हमारे लिए, ये ऑर्गेनिज्म जीएमओ बन गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसके जीन्स के अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया। अब हम इसको एक सूटेबल कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे, जैसे जैसे ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, अब ये बैक्टीरिया आगे एक से दो में डिवाइड होगा, ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, इसके साथ साथ ग्रो करेगा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड के साथ साथ क्या चीज़ ग्रो कर रही है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ग्रो कर रहा है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ग्रो कर रहा है, और इसके साथ साथ इसके सेल में इंसुलिन भी ग्रो कर रही है। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, इंसुलिन प्रोडक्शन हो जाएगी, इंसुलिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और साथ साथ जो जीन्स की कॉपीज़ हैं, जीन्स की कॉपीज़ भी बनना शुरू हो जाएंगी। तो दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो जाएंगी, एक तरफ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी मल्टीपल कॉपीज़ हमें मिल जाएंगी, दूसरी तरफ हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट ने एक्सप्रेशन शो किया और इंसुलिन बनाना शुरू कर दी। तो बेटे यहाँ तक ये स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, हमने इसे विद डायग्राम डिस्कस किया है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अचीवमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।